ग्लोबल मंथन चैनल में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह ग्लोबल मंथन न्यूज चैनल से। जयपुर में हुए सीरियल बम ब्लास्ट केस में बुधवार को हाई कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि घटना को लेकर जन भावना जुड़ी है, लेकिन कोर्ट कानून और सबूतों के आधार पर फैसला देता है। न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा ने बताया कि इस ईमेल के ऊपर एटीएस ने कहा कि साहब ईमेल आज तक चैनल और इंडिया चैनल के अंदर इंडिया न्यूज के अंदर पहुंचा, और उन्होंने कहा कि जयपुर बम ब्लास्ट की जिम्मेदारी हम लेते हैं। वो ईमेल पेश नहीं किया गया। जिस आदमी ने राजस्थान को इन्फॉर्मेशन दी कि मेरे चैनल में ईमेल आया है, उनको कोर्ट में एग्जामिन नहीं कराया गया। फिर एटीएस की थ्योरी थी कि ये लोग दिल्ली से डीलक्स बस से जयपुर पहुंचे, तो डीलक्स बस के आना साबित नहीं हुआ। वो चार हिंदू नाम है, वो इन मुजरिमों के नाम नहीं है। तो आप ये देखिए कि उनके आने के नाम अलग हैं। साइकिल जिस नाम से खरीदी गई वो नाम हिंदू नाम है, वो चारों अलग हैं। जो चार लोग कहते हैं कि शताब्दी एक्सप्रेस से चले गए, वो चार नाम डिफरेंट हैं। तो कहीं से कोई कॉर्पोरेशन होता ही नहीं है कि कौन आया था, किसने साइकिल खरीदी, कौन चला गया, उनमें इनका नाम कहीं आता ही नहीं है। दूसरा ये कि जो उन्होंने साइकिल खरीदने की रसीदें पेश करी है, उनपे जो फ्रेम नंबर है वो साइकिलों के ऊपर मौजूद नहीं है। तो यह भी साबित नहीं होता कि वो जो आप बिल पेश कर रहे हो उससे ये साइकिल खरीदी गई है। तो कुछ भी तो साबित नहीं होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।